हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जब आप कभी वीडियो देखो। देखो बेटा, प्रिपरेशन मेथड की बात की जाए, हेलोजन का जो पहले प्रिपरेशन मेथड था वो था आपका हेलोजनेशन से, और हेलोजनेशन बेटा कंप्लीट हो चुका है। अब जो सेकंड मेथड है वो पढ़ना बेटा एल्केन के थ्रू। अब एल्केन के थ्रू की अगर बात की जाए तो मैंने बेटा फ्लो चार्ट बनवाया था आपको कि एल्केन के थ्रू दो मेथड आता है। पहला आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और दूसरा आता है आपके पास एडिशन ऑफ डाई हैलोजन। अब यहाँ से एल्केन की अगर बात की इसमें बेटा जो पहला पढ़ना है वो पढ़ना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। देखो बेटा, इसमें से जो फर्स्ट है वो कौन सा बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, किसे, हाइड्रोजन हैलाइड के योग के द्वारा। अब हाइड्रोजन हैलाइड के योग की अगर बात की जाए, देखो बेटा आपके पास एल्किन है और ये एल्किन अभी आपको सेटिस्फाइड नहीं है, सॉरी क्लेरिफिकेशन नहीं है एल्किन का, किसे जो एल्किन है ये सिमेट्रिकल है या फिर कैसे बेटा अनसिमेट्रिकल। अब यहाँ से अगर बात की तो आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, और बेटा यहाँ पे ऐसे सॉल्वेंट के तौर पर यूज किया जाता है CCl4। लिखो तो अच्छी बात, ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से बेटा देखो, अगर यहाँ से बात की जाए तो सर हैलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिया, हैलोजन ने, तो हैलोजन पे चार्ज माइनस और एच पे चार्ज किसका आगे बेटा प्लस। और केमिकल रिएक्शन तभी कंप्लीट होती है जब चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और जब तक चार्ज इंड्यूस नहीं होगा तब तक केमिकल रिएक्शन भी नहीं होती है। अब देखो बेटा, अब यहाँ से अगर बात की जाए तो सर ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होने की कंडीशन है, या तो बेटा पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस कारण मूव करेगा या फिर इस पे मूव करेगा, दोनों में से किसी एक पे मूव करेगा, और मूव करेगा तो सर यहाँ से जो पाई बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा। मानो सर ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर गया तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे चार्ज किसका आ गया प्लस का, यानी कि सर अगर यहाँ से बात की जाए तो बेटा कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कितना बच गया, सिंगल, दो वैलेंसी यहाँ पर दो वैलेंसी यहाँ पे, जो जैसा है उसको बेटा वैसे ही वैसे रखो। अब यहाँ से बेटा इस कार्बन पे चार्ज माइनस, तो माइनस की तरफ कौन जुड़ेगा, जिस पे चार्ज किसका आएगा प्लस का आएगा, और प्लस की तरफ वो जुड़ेगा जिस पे चार्ज किसका आएगा माइनस का, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा बेटा एक्स। यानी कि सर अगर बात की जाए तो बेटा ध्यान से सुनना कहानी क्या है, हेलो एल्किन के अगर प्रिपरेशन की बात की जाए तो एल्किन के थ्रू जब एल्किन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से कराई जाती है तो एज ए प्रोडक्ट के तौर पे जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी बेटा, हेलो एल्किन की, यानी कि आर सिंगल बॉन्ड एक्स की। अब सर एल्किन की बात की जाए तो बेटा एल्किन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सिमेट्रिकल एल्किन, दूसरा बेटा अनसिमेट्रिकल एल्किन। सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट आपके पास सिमेट्रिकल एल्किन का, ध्यान से सुनना, केस फर्स्ट किसका है बेटा, सिमेट्रिकल एल्किन, यानी कि सर सममित एल्किन का। सममित एल्किन का मतलब क्या होता है बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ जुड़ने वाले दोनों ग्रुप कैसे होंगे, सेम। जैसे देखो यहाँ से बेटा मैंने लिखा सी, ये लिखा डबल बॉन्ड, ये सी, यहाँ पे बेटा दो हाइड्रोजन लगा दूं और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लिख दूं, दो हाइड्रोजन। अब ये दोनों कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन की इस तरफ भी दो हाइड्रोजन है और इस तरफ भी कितना हाइड्रोजन है बेटा, दो हाइड्रोजन। यानी कि सर अगर यहाँ से बात की जाए तो ये जो एल्किन है ये कैसे बेटा, सिमेट्रिकल एल्किन, यानी कि सर सममित एल्किन। अब यहाँ से आपने इसकी रिएक्शन किससे करें बेटा, हाइड्रोजन हैलाइड से HX के साथ। अब HX के साथ जब ये रिएक्शन कराई गई तो यहाँ से बेटा, तो देखो इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, और X के तौर पर आप जो मानो वो लिख लो, कोई इच्छा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर बात की जाए Cl की, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा, तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किसने खींचा, Cl ने, तो Cl पे चार्ज माइनस और हाइड्रोजन चार्ज प्लस। अब देखो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होने की दो कंडीशन आती है, जैसे बेटा ये जो पोलर कंपाउंड है ये इस नॉन पोलर के टच में आएगा तो वैसे यहाँ से इसको क्या करेगा, चार्ज इंड्यूस करेगा, और चार्ज इंड्यूस करेगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, चार्ज फॉर्मेशन होगी। तो बेटा यहाँ से पाई बॉन्ड की अगर बात की तो पाई बॉन्ड के मूवमेंट होने की दो कंडीशन आती है कि सर या तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो और या फिर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो। इसकी कंडीशन ये है बेटा, इसका रीजन ये है क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है बेटा, 2.5 के बराबर। तो दोनों कंडीशन की अगर बात की जाए तो दोनों कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितना है, 2.5 के बराबर। तो यहाँ से बेटा देखो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे चार्ज किसका आएगा बेटा, माइनस का, और यहाँ पे चार्ज किसका आएगा प्लस का। प्लस वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा, एक कार्बन से, इसका डिग्री कितना आएगा, 1 डिग्री के बराबर आया। और सर अगर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे चार्ज प्लस, और प्लस वाला अभी भी कितने जुड़ा है, एक से, इसका डिग्री कितना आएगा बेटा, 1 डिग्री के बराबर। तो सर यहाँ से अगर बात की तो दोनों कंडीशन में डिग्री कितना है बेटा, सेम आ रहे हैं, यानी कि ये है कि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आप किसी भी इलेक्ट्रॉन पे किसी भी कार्बन पे मूव करा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो बेटा, तो यहाँ से जो बन रहा है वो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा था तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस की तरफ कौन जुड़ेगा, जिस पे चार्ज किसका बेटा प्लस का, और सर ये माइनस कहाँ जाएगी, जिस पे चार्ज किसका बेटा प्लस का,
तो बेटा यहाँ पे क्या जुड़ेगा आपके पास H, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा Cl। तो बेटा सॉरी यहाँ पे जुड़ेगा बेटा H, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा Cl। अब देखो अगर यहाँ से बात कीजिए बेटा, ध्यान से सुनना और समझना बेटा, अगर इस H को इसके साथ कंसीडर कर दो तो ये क्या बनेगा CH3 सिंगल बोर्ड, CH2 सिंगल बोर्ड, Cl। यानी कि सर यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुई है वो किसकी बेटा CH3 CH2 Cl यानी कि क्लोरोएथेन की। तो बेटा यहाँ से फॉर्मेशन किसकी हो रही है R सिंगल बोर्ड X की, यानी कि एल्किल हैलाइड की। तो ये बेटा पहली कंडीशन आई कहानी समझ। यानी कि अगर बात कीजिए बेटा, समझाना सिर्फ एक लाइन ये है कि अगर आपके पास सिमेट्रिकल एल्किन है तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसी भी कार्बन पर मूव करा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई कहानी समझ, क्योंकि सर उस कंडीशन में जो डिग्री होता है वो क्या होता है बेटा सेम। एक क्वेश्चन है वो तुम घर से कर लो, ठीक है, खुद से यूज कर लो, ट्राई कर लो, आ जाओ तो अच्छी बात, नहीं आए तो बता देना कमेंट करके, मैं ट्राई कर लूँ। बेटा यहाँ पे अगर बात की जाए तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इसके पास भी क्या हाइड्रोजन है एक है, इसके पास भी एक सी एच थ्री, और इसके पास भी कितना बेटा सिंगल सी एच थ्री। तो यहाँ से अगर आप इसकी रिएक्शन किससे करें बेटा एच सी एल के साथ, तो आपको प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है बेटा। बाकी मैं हालांकि बता चुका हूँ इस चीज़ के बारे में कि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी कार्बन पे चला जाएगा, एक पे माइनस और एक पे चार्ज किसका आएगा प्लस का। एच सी एल की अगर बात की तो सर सी एल पे माइनस और एच पे चार्ज किसका आएगा बेटा प्लस का, तो प्लस जुड़ेगा माइनस के साथ और माइनस के साथ जुड़ेगा बेटा प्लस के साथ। आई कहानी समझ। अब देखो बेटा ये तो था सर आपके पास सिमेट्रिकल की कहानी, अब सेकंड आता बेटा अनसिमेट्रिकल। दो बार ध्यान से देखना और समझना। अगर सर बात की जाए अनसिमेट्रिकल एल्केन की, तो बेटा जो अनसिमेट्रिकल एल्केन में जो मेजर प्रोडक्ट है वो बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। ये सर अनसिमेट्रिकल एल्केन में जो मुख्य उत्पाद है ये मार्कोनिकोव के नियमानुसार प्राप्त होता है। देखो बेटा हो गया होगा सभी को, अब लिखते हैं बेटा के सेकंड, और वो किसका है सर अनसिमेट्रिकल एल्केन का। देखो बेटा अब आता है केस सेकंड और केस सेकंड किसका है अनसिमेट्रिकल एल्कीन का, अनसिमेट्रिकल एल्कीन असममित एल्कीन का। तो असममित एल्कीन की अगर बात की जाए तो बेटा कहानी क्या है, ध्यान से सुनना। यहाँ से अगर बात करें तो सेम कहानी है कि सर एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से कराई जाएगी, तो एज ए प्रोडक्ट के तौर पर बेटा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपके पास हेलो एल्कीन। लेकिन सर यहाँ से कहानी आती है, कहानी क्या आती है बेटा कि यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। ध्यान से सुनो समझो कि सर अगर बात की जाए अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, तो जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो है बेटा जो आपका मेजर प्रोडक्ट है क्या बेटा मेजर प्रोडक्ट जो मुख्य उत्पाद होगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, वो बनेगा बेटा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिको बस इतनी सी कहानी है कि सर असममित एल्कीन में बेटा जो हाइड्रोजन हैलाइड का जो एडिशन होगा, असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का जो एडिशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा बेटा मार्कोनिको रूल के अनुसार। आई कहानी समझ, यानी कि सर मैं बोलूँ दूसरे शब्दों में बोलूँ क्या बोलूँ बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड आया ना कि सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड बोलो या फिर बेटा मेजर प्रोडक्ट बोलूँ जो आपकी इच्छा करें जैसे आपको लिखना चाहो वैसे लिखो कि सर जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड है वो किसके अकॉर्डिंग होगा बेटा मार्कोनिकोव के रूल के अकॉर्डिंग, और उसी के बिहाफ पे आपका क्या होगा बेटा मेजर प्रोडक्ट। अब देखो बेटा यानी कि अगर यहाँ से बात की जाए तो कहानी क्या है, अब सबसे पहला पॉइंट आता है सर मार्कोनिकोव रूल क्या होता है पहले यही बताओ। देखो बेटा मार्कोनिकोव रूल सिर्फ एक लाइन कहता है, ध्यान से सुनो समझो, ये सिर्फ इतना कहता है बेटा कि अगर बात की जाए मार्कोनिकोव रूल की कि सर देखो कि अगर हाइड्रोजन हैलाइड की बात की जाए तो बेटा हाइड्रोजन हैलाइड में एक तो नेगेटिव पार्ट है और एक कैसा पार्ट है बेटा पॉजिटिव पार्ट, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव पार्ट। अब सर अगर बात की जाए एल्कीन की, तो एल्कीन में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कैसे बेटा डबल बॉन्ड है। अब सर यहाँ से अगर बात की जाए तो बेटा ध्यान से सुनना मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि सर जो नेगेटिव पोर्शन है क्या बेटा, अब यहाँ पे जो है हमारे पास वो क्या है हाइड्रोजन हैलाइड। अब बेटा देखो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार और ध्यान से सुनो और समझ रहा, ठीक है। मैंने बेटा यहाँ पे एल्कीन लिखी CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो एल्कीन है ये कैसे बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि सर ये कार्बन डबल बॉन्ड ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और दूसरे का बेटा CH3, और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं दो, मतलब सर ये एल्कीन सममित नहीं। अब यहाँ पे आप एडिशन किसका करोगे बेटा हाइड्रोजन हैलाइड का, अब हाइड्रोजन हैलाइड में आपने क्या ले लिया बेटा HCl।
अब सर यहाँ से अगर बात कीजिए हैलोजन की, तो बेटा हैलोजन का ऑक्सीडेशन अंदर कितना होता है, माइनस का। समझ में आता है कि सर हाइड्रोजन सॉरी जो हैलोजन है वो क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज, और सर जो हाइड्रोजन होगा वो कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। यानी सर अगर यहाँ से बात की जाए तो जो सी एल है इसकी इलेक्ट्रॉनिक भी ज़्यादा तो माइनस, और यहाँ पे चार्ज किसका है बेटा, प्लस का है ना। अब मार्कोनिकोव रूल की अगर बात की जाए तो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है बेटा, ये एडिशन को बताता है कि सर किस तरह से सब जुड़ेगा। मार्कोनिकोव रूल एक लाइन में ये कहता है बेटा कि जो नेगेटिव पार्ट है, क्या बोला बेटा, जो नेगेटिव पार्ट है ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ेगा। अब डबली बॉन्डेड कार्बन कौन कौन सा है, एक तो बेटा ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं और एक सर ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। तो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है बेटा कि अगर बात की जाए नेगेटिव पार्ट की, किसकी बेटा, नेगेटिव पार्ट की, तो जो नेगेटिव पार्ट है उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे बेटा, कम। तो यहां से बेटा मार्कोनिकोव रूल ही कहता है, और सर ये कहता है कि जो हाइड्रोजन है या फिर मैं बोलूं पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या बेटा, ज्यादा। आई कहानी समझ, यानी कि सर मार्कोनिकोव रूल की बात की जाए तो इसका मतलब क्या कहता है बेटा, ये सिर्फ कहता है कि सर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल या फिर मैं लिखूं बेटा एम के रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल नेगेटिव पार्ट अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये कहता है बेटा कि अगर मार्कोनिकोव रूल की बात की जाए तो मार्कोनिकोव ये कहता है कि सर जो नेगेटिव पार्ट है ये उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या बेटा, कम, एंड पॉजिटिव पार्ट अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आई कहानी समझ, यानी कि मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि बेटा कि जो नेगेटिव पार्ट है ये उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन क्या है, कम, और सर जो पॉजिटिव पार्ट है ये उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां पे बेटा हाइड्रोजन संख्या क्या है, ज्यादा। अब सर इस हिसाब से देखा जाए तो बेटा देखो, तो यहां से बेटा ये पाई बॉन्ड टूटेगा, आयन, अब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो सर देखो बेटा ये नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट कहां जाके जुड़ेगा, जहां पे डबल बॉन्डेड पास हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी बेटा, कम, यहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, दो, यहां पे कितना है, एक, तो सीएल तो कहां जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ, और पॉजिटिव कार्बन, पॉजिटिव जो पार्ट है ये वहां जाके जुड़ेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन संख्या क्या बेटा, ज्यादा, तो यहां पे हाइड्रोजन कितने बेटा, दो, तो ये यहां पे आगे जुड़ेगा। यानी सर यहां से जो बनेगा वो बनेगा क्या बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे क्या लगेगा बेटा, CL सिंगल बॉन्ड CH3, दो हाइड्रोजन बेटा यहां पे और एक हाइड्रोजन लग गया। आई कहानी समझ, तो ये बेटा इसकी कहानी है। अब यहां से अगर बात की जाए तो बेटा हकीकत अगर देखा जाए तो मार्कोनिकोव का कोई रूल नहीं होता, ध्यान से सुनना और समझना, अगर हकीकत की बात की जाए तो मार्कोनिकोव का कोई रूल नहीं होता, क्योंकि मार्कोनिकोव ने जो बताया था वो बेटा जो बताया था वो सिर्फ एक चीज के बारे में बताया था और वो थी स्टेबिलिटी। और अगर बात की जाए कि कोई भी चीज हो वो फेवर किसको करती है, स्टेबिलिटी को, है ना। अगर बात की जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कि भाई सिंपली धरती पे खड़ा हो जाओ तो आप आराम से खड़े हो जाओगे, लेकिन आपको बोल दिया जाए कि 14 हिमालय की कोई बिल्डिंग है उसके ऊपर जाके खड़े हो जाओ, और खड़े होने का मतलब ये नहीं कि छत पे जाके खड़ा होना है, उसका मतलब ये है कि जो दीवार है उस दीवार जहां से नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है इस दीवार पे खड़ा होना है, तो बेटा यहाँ पे क्या है, अनस्टेबिलिटी है, तो यहाँ पे आप आसानी से नहीं खड़े हो सकते, लेकिन अगर बिल्कुल प्लेन सरफेस है तो आप आसानी से खड़े हो जाओगे। यानी कि हर चीज फेवर किसको करेगी, स्टेबिलिटी को। अब देखो बेटा अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं तो ध्यान से सुनना, मैकेनिज्म से पूरी कहानी समझ में आएगी कि हकीकत क्या है, कहानी क्या है। देखो बेटा मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म की अगर बात कीजिए तो बेटा ध्यान से सुनना, सबसे पहले हमारे पास ये जो हाइड्रोकार्बन है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा बेटा, तो बेटा इसको क्या लिखूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्डेड CH2 है ना, ये बेटा, और एक हमारे पास क्या है सर, HCl। अब देखो बेटा HCl की अगर बात की जाए सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किसने खींचा बेटा, Cl है, तो Cl पे चार्ज माइनस, और हाइड्रोजन चार्ज किसका है बेटा, प्लस का। अब सर यहां से अगर बात की जाए बेटा ध्यान से सुनना, तो सर यहां पे पाई बॉन्ड है, अब पाई बॉन्ड की अगर बात की जाए तो इस पाई बॉन्ड की बेटा कहानी की अगर बात की जाए तो जो पाई बॉन्ड है ये बेटा दो तरीके से
मूव कर सकता है, या तो बेटा इस कार्बन पे मूव करे और या फिर इस कार्बन पे मूव करे। अगर ये पाई बोर्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे मूव करेगा तो यहाँ पे चार्ज किसका बेटा माइनस का, और यहाँ पे चार्ज किसका आएगा प्लस का। यानी कि सर यहाँ से क्या बनेगा CH3 सिंगल बोर्ड, CH सिंगल बोर्ड, CH2 ये माइनस और यहाँ पे चार्ज प्लस। अब बेटा जो प्लस वाला कार्बन है यानी कि ये क्या है कार्बेटन, और कार्बेटन कितने कार्बन से जुड़ रहा है दो कार्बन से, तो सर इसका डिग्री कितना रहा बेटा 2 डिग्री। सर ये पाई बोर्ड इलेक्ट्रॉन में भी कंडीशन है कि इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाए, तो इस पर क्या आएगा बेटा माइनस और इस पर चार्ज किसका आएगा प्लस का। तो सर यहाँ से क्या बनेगा CH3 सिंगल बोर्ड, CH सिंगल बोर्ड, CH2 और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे चार्ज क्या आएगा बेटा प्लस का, है ना भाई। जिस पे इलेक्ट्रॉन आता मूव करेगा उस पर तो माइनस और दूसरे पे चार्ज किसका आएगा बेटा प्लस का। अब यहाँ पे देखो बेटा ये प्लस वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो इसका डिग्री कितना आ गया 2 डिग्री, है ना। और आपने कार्बन कैटायनिक स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ा है कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और एटलीस्ट सबसे लास्ट में क्या आएगा बेटा 1 डिग्री। सर यहाँ से अगर बात की जाए 2 डिग्री और 1 डिग्री की, तो बेटा दोनों की अगर बात की जाए तो सर 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन कंपेयर टू 1 डिग्री। इसका मतलब क्या बेटा कि रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा आगे वो कौन करेगा जो स्टेबल है, और स्टेबल क्या बेटा 2 डिग्री। तो बेटा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा 2 डिग्री। मैं बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ ध्यान से देखना। तो सर ये 2 डिग्री क्या था बेटा CH3 सिंगल बोर्ड, CH सिंगल बोर्ड, CH2, यहाँ पे चार्ज किसका बेटा माइनस का, और यहाँ पे चार्ज किसका है प्लस का, है ना बेटा। यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है HCl। सर अगर बात कीजिए Cl की, जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा, तो बेटा यहाँ पे माइनस और यहाँ पे चार्ज प्लस। तो बेटा माइनस वाला कहाँ जुड़ेगा जहाँ पे चार्ज क्या है प्लस, और फिर प्लस वाला वहां जुड़ेगा जहाँ पे चार्ज क्या बेटा माइनस। तो सर यहाँ से क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा Cl, और यहाँ पे क्या आ गया CH3। देखो बेटा ये आपका पहला आंसर आया था और ये आपका अब आंसर है, है ना। यानी कि अगर बात कीजिए जो मार्कोनिकोव का रूल था वो समझ में किससे आया मैकेनिज्म से। इसका मतलब ये कि सर मार्कोनिकोव की अगर बात की जाए तो हकीकत में बेटा मार्कोनिकोव का कोई रूल नहीं होता है। यानी कि अगर मार्कोनिकोव की बात की जाए तो इसने जो बताया था वो सिर्फ किसके बारे में बताया था बेटा स्टेबिलिटी के बारे में। और ये पूरी कहानी है, ये आपको पढ़नी है। आई कहानी समझ? अगर नहीं आई तो बेटा दोबारा एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखना, पूरा समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो बेटा यहाँ से कुछ कहानी स्टार्ट होती है। और कहानी कैसे स्टार्ट होती है कि बेटा अगर बात की जाए जहाँ पे रीअरेंजमेंट की कहानी होती है वहाँ पे मार्कोनिकोव का रूल फेल हो जाता है। जहाँ पे रीअरेंजमेंट की कहानी होती है वहाँ पे मार्कोनिकोव का रूल फेल हो जाता है, वो समझेंगे थोड़ी देर बाद। बाकी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो तुम घर से करना ट्राई करना, ठीक है बेटा। नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। मैंने बेटा यहाँ पे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्डेड, CH2, और इसकी रिएक्शन करें बेटा HBr से HBr के साथ, ठीक है। इसका रिएक्शन और मैकेनिज्म दोनों ट्राई करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, कर लेना, ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं, देखो हो गया बेटा सभी का। देखो देखिए बेटा अभी तक जो कहानी पढ़ी थी वो मार्कोनिकोव की पढ़ी थी अनसिमेट्रिकल एल्गिन में, लेकिन बेटा यहाँ पे कुछ कहानी आती है और वो कहानी ध्यान से सुनना है कि अगर बात की जाए हकीकत की तो हकीकत में मार्कोनिकोव का कोई रूल नहीं होता। ये जो डिफाइन करता है वो सिर्फ किसको पता था बेटा स्टेबिलिटी को, स्टेबिलिटी के अलावा कुछ नहीं होता। आई कहानी समझ बेटा, देखो देखो बेटा जैसे बेटा आपके पास कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, और उस क्वेश्चन को समझ, पूरी कहानी वो है, वहां सबको समझ में आएगा कि हकीकत में मार्कोनिकोव का रूल होता है या नहीं होता। हाँ देख अगर बेटा मैंने यहाँ पे लिखा CH3 सिंगल बोन सी, यहाँ पे लिखते बेटा CH3, यहाँ पे लिखते एच, ये सर CH डबल बोन CH, बेटा अगर यहाँ से आपने इसकी रिएक्शन किससे करी HCl के साथ, तो सर एज ए प्रोडक्ट के तौर पर क्या बनेगा। अब बेटा मार्कोनिकोव की बात कीजिए तो मार्कोनिकोव ये कहता था कि सर नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां डबली बॉन्डेड कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या बेटा कम, इस हिसाब से यहां पे क्या लगेगा Cl, और यहां पे क्या लगेगा H। यानी सर इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पे बेटा H, यहां पे सर CH Cl, और यहां पे क्या है बेटा CH3, जो कि आपका आंसर है बेटा गलत। अब यहां से सब चीज समझ लें, अब एक लाइन याद लिखवा रहा हूँ और उस लाइन को याद करना और उसी को समझना, ठीक है। मार्कोनिकोव की अगर बात कीजिए बेटा ध्यान से सुनना, कुछ पॉइंट है स्पेशल पॉइंट है, उन स्पेशल पॉइंटों को बताना, ठीक है, उसके भी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। सर अगर बात कीजिए मार्कोनिकोव की, किसकी बेटा मार्कोनिकोव की, तो सर मार्कोनिकोव का जो रूल है ये वहां पे लगता है जहां पे सिर्फ क्या होगा बेटा अनसिमेट्रिकल एल्केन, जहां पे सिर्फ क्या होगा बेटा अनसिमेट्रिकल एल्केन, अनसिमेट्रिकल एल्केन।
कि मार्कोनी कॉप का रूल अप्लाई होगा सिर्फ किस पे बेटा, एसमित एल्किन पे। और जो अनसिमेट्रिकल एल्किन है इनमें जो फॉर्मेशन होगी वो किसके होते बेटा, कार्बन कैटायन के, कार्बन कैटायन। और जहां पे कार्बन कैटायन होता है, चाहे आप ऐसे समझ लो, जहां पे कार्बन कैटायन होता है वहां पे क्या लगता है बेटा, मार्कोनी कॉप रूल। जैसे आपकी छगर वैसे समझ लो। चलो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ कि सर अनसिमेट्रिकल एल्किन में क्या मतलब बेटा, कार्बन कैटायन लगता है, ठीक है, कार्बन कैटायन बनता है। यानी कि सर यहाँ पे जो रूल फॉलो होगा वो किसका होगा बेटा, मार्कोनी कॉप का, है ना। और यहाँ पे जो रूल फॉलो होगा वो किसका होगा बेटा, मार्कोनी कॉप का, मार्कोनी कॉप का। और सर मार्कोनी कॉप के जो रूल लगता है, यहाँ से मैं बात कीजिए बेटा, ध्यान से सुना और समझ लो। इस लाइन को बताने के दो तरीके हैं और जो कहानी है वो समझ लो एक तरीके से, कि काफी लोग बोलते हैं कि सर अनसिमेट्रिकल एल्किन से बेटा जो बनेगा वो कार्बन कैटायन बनेगा, और कार्बन कैटायन होगा तो वहां पे क्या लगेगा, मार्कोनी कॉप का रूल। जहां पे मार्कोनी कॉप का रूल लगेगा वहां पे क्या होगा बेटा, रीअरेंजमेंट। और जहां पे रीअरेंजमेंट होता है वहां पे क्या होती है, हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्टिंग, है ना। अब सुन लो कि सर अनसिमेट्रिकल एल्किन है तो वहां पे क्या बनेगा बेटा, कार्बन कैटायन। और कार्बन कैटायन है वहां पे क्या लगेगा, मार्कोनी कॉप का रूल। और जहां पे मार्कोनी कॉप का रूल लगता है वहां पे क्या होती है बेटा, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। और जहां पे रीअरेंजमेंट होता है वहां पे क्या होता है बेटा, हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्टिंग, हाइड्राइड और मिथाइल क्या होगा बेटा, शिफ्टिंग। बस इस लाइन को याद रखना कि सर अनसिमेट्रिकल एल्किन में कार्बन कैटायन की फॉर्मेशन होती है, और जहां पे कार्बन कैटायन बनता है वहां पे क्या लगेगा बेटा, मार्कोनी कॉप का रूल। जहां पे मार्कोनी कॉप का रूल लगेगा वहां पे क्या होगा बेटा, रीअरेंजमेंट। और जहां पे रीअरेंजमेंट होता है वहां पे क्या होता है सर, हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्टिंग। अब आपको जो पढ़ना है बेटा वो ये पढ़नी है कि सर हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्टिंग, जैसे बेटा अगर इस क्वेश्चन की बात की, ये जो क्वेश्चन है ये हाइड्राइड शिफ्टिंग के ऊपर है। आई कहानी समझ। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं। दूसरी चीज की अगर बात की जाए तो नोट डाल के आपको लिखना है, और वो क्या लिखना है कि सर अगर बात की जाए मार्कोनी कॉप के रूल की, तो हाइड्रोजन हैलाइड में मार्कोनी कॉप का रूल किस पर अप्लाई होता है। हाइड्रोजन हैलाइड में मार्कोनी कॉप का जो रूल है ये सभी पर अप्लाई होता है। यानी कि अगर बात की जाए तो ये बेटा एच एक्स पे सभी पर अप्लाई होगा, मतलब कि सर एक्स इक्वल टू मे बी फ्लोरिन, मे बी क्लोरिन, मे बी ब्रोमिन और मे बी आयोडीन। तो मतलब ये बेटा जो मार्कोनी कॉप का रूल है ये एच एफ पे, एच सी एल पे, एच बी आर पे और एच आई सभी पे अप्लाई होता है। आई कहानी समझ बेटा, ये कहानी है। इसके बाद चलते बेटा इसके ऊपर कि जो हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्टिंग होती है ये क्या होती है, बस ये समझना है, बाकी कुछ इसमें है नहीं बेटा। देखो अभी जो क्वेश्चन दे रखा है ये हाइड्राइड शिफ्टिंग का दे रखा है। एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, एक आप खुद कर लेना, ठीक है बेटा, और नहीं आए तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूँ। देखो अब यहाँ पे बेटा ये हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्टिंग समझनी है, ठीक है, ये दोनों नोट है ये बेटा डाल लेना कॉपी में, ठीक है। अब देखो बेटा अगर यहाँ से बात की इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में सर इसका जो आंसर है वो आंसर क्या है बेटा, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका जो आंसर है बेटा यहाँ पे सी एल, यहाँ पे सर एच टू और यहाँ पे सी एल सी एस सी, अभी आंसर इसका सही है। अब इसके मैकेनिज्म देखो बेटा कि ये कहानी होती क्यों है और ये ऐसा आया कैसे। देखो बेटा सबसे पहले रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन पार्टिसिपेट करेगा, जिसे मैं बोलूँ सब्सट्रेट। तो बेटा यहाँ पे लिखा मैंने सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये सर सी एस थ्री, यहाँ पे बेटा एच, यहाँ पे लिखा सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ठीक बेटा। अब यहाँ से सर इसकी दो पॉसिबिलिटी बेटा कि या तो बेटा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो यहाँ पे, और या फिर सर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो। अब देखो बेटा दो पॉसिबिलिटी है कि सर अगर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है तो इस कार्बन पे चार्ज बेटा माइनस का, और यहाँ पे चार्ज प्लस का, और सर यहाँ पे एक बॉन्ड क्या होगा बेटा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा सर सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड कार्बन सी एच थ्री एच, यहाँ पे बेटा सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू, इस पे चार्ज माइनस और इस पे चार्ज प्लस। ये प्लस वाला कार्बन बेटा दो कार्बन से जुड़ा है तो इसका डिग्री कितना आ गया, टू डिग्री। सर अगर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे चार्ज क्या बेटा प्लस। तो सर यहाँ से क्या बनेगा सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड कार्बन बेटा सी एच थ्री, यहाँ पे एच, यहाँ पे सर सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू, और यहाँ पे चार्ज किसका है बेटा माइनस का, और यहाँ पे चार्ज किसका है प्लस। ये प्लस वाला कार्बन कितने जुड़ा बेटा एक से, तो डिग्री कितना है वन डिग्री, ठीक। अब सर हमें पता है कि कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है बेटा थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री, और सर टू डिग्री इज मोस्ट स्टेबल देन कंपेयर टू वन डिग्री। तो रिएक्शन में बेटा पार्टिसिपेट कौन करेगा, टू डिग्री। तो बेटा आपके पास ये जो यूनिट है ये रिएक्शन में बेटा आगे क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। अब देखो बेटा इसको लिख रहा हूँ आगे क्या, ये मैकेनिज्म का पार्ट है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा सर सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड कार्बन बेटा, ये लिखा सी एस थ्री, यहाँ पे एच, और यहाँ पे क्या बेटा आपके पास सी एच डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड सी एच टू, और यहाँ पे चार्ज बेटा माइनस, और यहाँ पे चार्ज क्या प्लस। अब बेटा देखो रिएक्शन में आपने डाल के रखा है एच सी एल के साथ करा रहे हो, और एच सी एल रिएक्शन का जो मीडियम है वो कैसे बना रहा है बेटा, एसिडिक मीडियम।
ये सर एक मीडियम का मतलब कि सर रिएक्शन बैच प्लस पहले से ही क्या बेटा अवेलेबल फाइन, या फिर आप ऐसे समझ लो कि सर ये Cl ने इसकी इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा यहाँ पे माइनस और हाइड्रोजन चार्ज इसका बेटा प्लस का, तो ये सर H प्लस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा बेटा। अब ये प्लस कहाँ जुड़ेगा जहाँ पे चार्ज कैसा बेटा माइनस का, तो सर ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा बेटा सी एच टू के साथ, तो यहाँ से क्या बनेगा सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड कार्बन बेटा ऊपर सी एच थ्री यहाँ पे एच सिंगल बॉन्ड सी एच और सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री दो हाइड्रोजन ये थे बेटा एक यहाँ से आ गया तो तीन हाइड्रोजन हो गए और इस पर चार्ज किसका आ गया बेटा प्लस का। अब सर फिलहाल ये जो कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा है दो कार्बन से तो डिग्री कितना बेटा टू डिग्री। सर अगर ये पॉजिटिव चार्ज कैसे भी करके इस कार्बन पे शिफ्ट कर दिया जाए तो इसका जो डिग्री है वो डिग्री कितना आएगा थ्री डिग्री है ना। अब सर यहां से अगर बात की जाए तो देखो सर अगर इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे शिफ्ट कर दिया जाए तो इस कार्बन का डिग्री कितना आएगा थ्री डिग्री। इस बॉन्ड की अगर बात की जाए इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कार्बन का। अब यहां से जैसे बेटा रीअरेंजमेंट होगा यहां से क्या होगा बेटा रीअरेंजमेंट, और जब रीअरेंजमेंट होगा तो बेटा ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन चार्ज किसका है माइनस का और माइनस कहां जाकर जुड़ेगा जहां पे चार्ज इसका हो सर प्लस का। अब बेटा इस बॉन्ड का जैसे इलेक्ट्रॉन खींचा तो सर ये इलेक्ट्रॉन किसका था बेटा कार्बन का, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बन पे चार्ज किसका आएगा प्लस का, तो सर यहां से क्या बनेगा बेटा सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड कार्बन सर यहां पे सी एस थ्री इस पे चार्ज किसका बेटा प्लस का, यहाँ पे क्या आ गया सी एच बेटा एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे चला गया तो सी एच टू सिंगल बॉन्ड क्या आ गया बेटा सी एच थ्री। अब रिएक्शन में बच क्या रहा बेटा सी एल माइनस, तो सर सी एल माइनस आएगा पार्टिसिपेट करेगा तो ये कहाँ पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे चार्ज किया बेटा प्लस, तो सर यहाँ से क्या बनेगा सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड कार्बन सी एच थ्री यहाँ पे बेटा सी एल सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, तो ये आपका बेटा मेन आंसर है और ये आपका आंसर यहाँ पे है। आई कहानी समझ बेटा, इस तरीके से बेटा रीअरेंजमेंट की कहानी कंप्लीट होती है। रीअरेंजमेंट जिसमें बेटा हाइड्रेट शिफ्टिंग और दूसरा क्या होता है सर मिथाइल शिफ्टिंग, ठीक है बेटा। इस मैकेनिज्म को देखना और समझने की कोशिश करना क्योंकि जरूरी है बेटा। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो बेटा देखो अब यहाँ से एक क्वेश्चन वगैरह हो वो आपके लिए वर्क करना, ठीक है बेटा। अब यहाँ से देखो अगर मैं एच की जगह क्या लिख दूँ सर सी एस थ्री, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा बेटा, ठीक है। होमवर्क चलो मैं अलग से होमवर्क लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। होमवर्क के लिए बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप इसको करना ट्राई करना, नहीं आए तो बेटा कमेंट करके बता देना मैं आपको क्लियर कर दूँगा। सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड कार्बन बेटा ऊपर सी एस थ्री नीचे सी एस थ्री सर यहाँ पे सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू और इसकी रिएक्शन किससे करें बेटा एच बी आर के साथ, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट कर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।